कुछ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को नहीं मिलने दिए जाने और उन्हें पुलिस हिरासत में लेने को लेकर कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का यही चरित्र है और अब एक प्रत्याशी मतदाता से भी नहीं मिल सकते, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई देती है और प्रत्याशियों को मतदाता से भी नहीं मिलने देती है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ चुका है। वहीं से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भक्त चरण दास ने भी केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारी सीमा को पार कर दिया है, अब उनको जरूरत पड़ती है तो जो चाहे कर लेते हैं। हमारे विधायकों को अगवा किया गया है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह के साथ व्यवहार किया गया है वह अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चरित्र है, अब प्रत्याशी मतदाता से भी नहीं मिल सकते, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और प्रत्याशी को मतदाता से मिलने नहीं देते, ये उनका चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी को सामने आ चुका है। दिग्विजय सिंह जी के प्रति व्यवहार किए हैं बेंगलोर में, ये अच्छा नहीं है। इतना वरिष्ठ और सीनियर कांग्रेस के लीडर है, उनके साथ मनमानी करना, सत्ता का दुरुपयोग करना बेंगलुरु का सरकार के चलते, कर्नाटक का सरकार के चलते, इसका हम निंदा करते हैं।